हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, क्या आपको पता है काटना, मसलना, घिसना या रोटी बेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि इन सभी शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये है चुटकी। चुटकी को इंग्लिश में कहते हैं पिंच। एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक मिला दो, पिंच। दोस्तों, दूसरा शब्द है छानना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। छानना को इंग्लिश में कहते हैं सिफ्ट। सिफ्ट, सिफ्ट द फ्लोर, आटा को छानो, सिफ्ट। फिर है दोस्तों तोड़ना। तोड़ना इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक। ब्रेक, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ब्रेक द एग, अंडे को तोड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों गूथना। गूथना को इंग्लिश में कहते हैं नीड, जो हम किचन में आटा गूंदते हैं। नीड द डो, आटा को गूंदो। नेक्स्ट है दोस्तों पिघलना। पिघलना को इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट। मेल्ट, आइसक्रीम इज मेल्टिंग, ये जो आइसक्रीम है ये पिघल रही है, मेल्ट। फिर है दोस्तों छीलना, जैसे किसी का हम छिलका छीलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पील। पील, इसका सेंटेंस बनता है पील द कुकुम्बर फॉर सलाद, ककड़ी को छीलो सलाद के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, ये है घिसना। घिसना को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट द पोटैटो, आलू को घिसो। और भी चीज़ों को घिसा जाता है, जैसे गाजर, चुकंदर। फिर है दोस्तों बेलना। बेलना को इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। रोल आउट, रोल आउट द डो इंटू चपाती, आटे को गोल रोटी के रूप में बेलो। फिर है दोस्तों फैलाना, जैसे कि ब्रेड के ऊपर बटर या जैम को फैलाना, इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, बटर को ब्रेड के ऊपर फैलाओ। फिर है दोस्तों सेकना। सेकना को इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। फ्राई, जैसे सब्जियों को किया जाता है, फ्राई द वेजिटेबल्स इन पैन, एक पैन में सब्जियों को फ्राई करना है, सेकना है। फिर है दोस्तों पानी निकालना। पानी निकालना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन। ड्रेन, ड्रेन द वाटर फ्रॉम नूडल्स, नूडल्स में से पानी को बाहर निकालो जब वो बॉईल हो जाती हैं। फिर है दोस्तों डालना। डालना को इंग्लिश में कहते हैं पोर। पोर द जूस इनटू द ग्लास, ग्लास के अंदर जूस को डालो, पोर। फिर आता है दोस्तों मिलाना। मिलाना को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स करना। मिक्स, मिक्स द बैटर प्रॉपरली, घोल को अच्छे से मिलाओ। नेक्स्ट है दोस्तों मसलना। मसलना को इंग्लिश में कहते हैं मैस। मैस, मैस द वेजिटेबल्स इन द बोल, सब्जियों को कटोरे के अंदर मसलो, मैस। फिर है दोस्तों काटना। काटना को इंग्लिश में कहते हैं चॉप। चॉप, चॉप द कुकुम्बर विद अ नाइफ, ककड़ी को एक चाकू की मदद से काटो, चॉप। निचोड़ना। निचोड़ना को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीज। स्क्वीज, स्क्वीज द लेमन इन द ग्लास, नींबू को ग्लास में निचोड़ो, स्क्वीज। फिर है दोस्तों उबलना। उबलना को इंग्लिश में कहते हैं बॉइल। पानी भी बॉइल होता है, दूध भी बॉइल होता है, वाटर इज बॉइलिंग इन द पॉट, पानी मटके में उबल रहा है।
फिर आता है दोस्तों भूनना। भूनना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिल। ग्रिल, ग्रिल द वेजिटेबल्स फॉर 5 मिनट्स। सब्जियों को केवल 5 मिनट के लिए भून लो, ग्रिल। नेक्स्ट है दोस्तों पीसना। पीसना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंड। ब्लेंड, ब्लेंड द फ्रूट्स इन द जार। जार में फलों को पीसो, ब्लेंड। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल देखो और सीखो को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे।